शुभम गिल की आंधी में उड़ी मुंबई, सूर्या रोहित सब फेल, गुजरात की फाइनल में एंट्री। गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को 62 रन से हराकर आईपीएल 2023 के फाइनल में जगह बना ली है। अब फाइनल मैच में गुजरात का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात की जीत के हीरो शुभम गिल रहे, जिन्होंने 129 रनों की यादगारी पारी खेली। वहीं तेज गेंदबाज मोहित शर्मा ने मुंबई के 5 खिलाड़ियों को आउट किया। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2023 के फाइनल में जगह बना ली है। 26 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए क्वालीफायर 2 मुकाबले में गुजरात ने 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को 62 रनों से मात दी। मुकाबले में मुंबई को जीत के लिए 234 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन उनकी पूरी टीम 18.2 ओवरों में 171 रनों पर ही सिमट गई। अब फाइनल मुकाबले में 28 मई को गुजरात टाइटंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात टाइटंस की शानदार जीत के हीरो शुभम गिल रहे, जिन्होंने 129 रन की पारी खेली। मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी की बात करें तो सूर्य कुमार यादव ने 38 गेंदों पर 61 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 2 सिक्स शामिल रहे। हालांकि गिल के आगे सूर्या की यह पारी फीकी नज़र आई। सूर्या के अलावा तिलक वर्मा ने 5 चौके और 3 छक्कों की मदद से सिर्फ 14 गेंदों पर 43 रनों का योगदान दिया, जबकि कैमरन ग्रीन ने 30 रन की पारी खेली। इसके अलावा मुंबई में के बाकी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। गुजरात टाइटंस की ओर से तेज गेंदबाज मोहित शर्मा ने सिर्फ 2.2 ओवर में सिर्फ 10 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। वहीं मोहम्मद शमी और राशिद खान को 2-2 सफलताएं मिली। आपको बता दें कि यह मुकाबला बारिश के चलते आधे घंटे की देरी से शुरू हुआ था। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी गुजरात टाइटंस की शुरुआत अच्छी रही। विकेट कीपर रिद्धिमान शाह और शुभम गिल ने मिलकर 6.2 ओवरों में ही 54 रन की तूफानी पार्टनरशिप की। स्पिन पीयूष चावला ने साहा को स्टंप आउट करवा कर इस पार्टनरशिप को तोड़ा। साहा ने 3 चौके की मदद से 18 रन बनाए। पहला विकेट गिरने के बाद शुभम गिल और साई सुदर्शन ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। गिल ने इस दौरान अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए सिर्फ 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक पूरा करने के बाद तो गिल ने छक्कों की बरसात कर दी। गिल ने आकाश माधवल के 1 ओवर में 3 छक्के लगाए, फिर 13वें ओवर में पीयूष चावला की भी जबरदस्त धुनाई करते हुए 2 छक्के और 1 चौका लगाया। गिल की तूफानी बैटिंग जारी रही और उन्होंने कैमरन ग्रीन की 1 गेंद पर 1 रन लेकर अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। गिल ने 49 गेंदों का सामना करते हुए शतक बनाया, जिसमें 8 छक्के और 4 चौके शामिल रहे। आईपीएल 2023 में शुभम गिल का यह तीसरा शतक रहा। इससे पहले गिल ने सनराइजर हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ शतकीय पारी खेली थी। गिल ने तोड़ा सहवाग का रिकॉर्ड। शुभम गिल ने कुल मिलाकर 60 गेंदों पर 129 रन की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 10 छक्के शामिल रहे। गिल को आकाश माधवल ने टिम डेविड के हाथों कैच आउट कराया। गिल और साई सुदर्शन के बीच दूसरे विकेट के लिए 138 रन की साझेदारी हुई। गिल इस यादगार पारी के चलते आईपीएल के प्लेऑफ में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। गिल ने वीरेंद्र सहवाग को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने सीएसके के खिलाफ 122 रन बनाए थे। शुभम गिल आईपीएल के प्लेऑफ में शतक लगाने वाले कुल मिलाकर 7वें और सबसे युवा प्लेयर हैं। गिल ने 23 साल और 260 दिनों में की उम्र में आईपीएल प्लेऑफ में शतक लगाया। गिल ने आईपीएल प्लेऑफ में सबसे तेज शतक लगाने के मामले में रजत पाटीदार और रिद्धिमान शाह और रजत पाटीदार की बराबरी कर ली है। शाह और पाटीदार ने भी 49 गेंदों पर शतक लगाए थे।